एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल डेलिशियस का। वेल दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर आइटम गर्ल है राखी सावंत और इनकी संघर्ष भरी कहानी हम आपको हमारे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। राखी सावंत का जन्म 25 नवंबर सन 1978 को हुआ था। राखी सावंत अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती है। वो जब मन आता है कुछ भी बोल देती है, लेकिन आज हम आपको महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी राखी सावंत के बचपन की संघर्ष की कहानी सुनाने जा रहे हैं। राखी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1997 से की थी, लेकिन उन्होंने छोटी उम्र में ही काफी संघर्ष भरे दिन बिताए हैं। महज 10 साल की ही उम्र में उन्होंने टीना अंबानी की शादी में लोगों को खाना सर्व किया था। इस काम के लिए राखी को सिर्फ 50 रुपए मेहनताना मिला था। घर में आर्थिक तंगी की स्थिति को देखते हुए उनके घर वालों ने उनसे ये काम करवाया था। राखी ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती थी जहां घर की महिलाओं या लड़कियों को आजादी नहीं थी। ऐसे में महज 11 साल की उम्र में डांडिया नाचने की जिद करने पर उनकी माँ और मामा ने मिलकर राखी के लंबे बाल काट दिए थे। बालों को कुछ इस तरह से काटा गया था कि उन्हें देखने पर लग रहा था कि बालों को जला दिया गया है। राखी पूरे दिन आईने के सामने खड़ी होकर रोती रही थी और उस दिन राखी ने ये फैसला कर लिया था कि वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर ही सारे काम करेंगी। हम आपको ये भी बता दें कि राखी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि उनके परिवार में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ पड़ोसियों का फेंका हुआ खाना खिलाकर राखी का पेट भरती थी। यहाँ तक कि राखी ने ये भी कहा था कि उन्हें बचपन में इतनी मार पड़ी है कि उनके पूरे शरीर में टाके हैं। इतना सब कुछ सहने के बाद भी राखी ने बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सन 1997 में फिल्म अग्निचक्र से की थी। इसके बाद इन्होंने जोरू का गुलाम, ये रातें हैं प्यार के और जिस देश में गंगा रहता है जैसी कुछ फिल्मों में छोटे मोटे किरदार और डांस नंबर किए। और इन दिनों राखी राजनीति में भी काफी एक्टिव हैं। राखी सावंत प्यार के मामले में हमेशा असफल साबित हुई हैं। राखी मॉडल और एक्टर अभिषेक अवस्थी के साथ रिलेशनशिप में काफी समय तक रही। दोनों ने साथ में डांस रियलिटी शो नच बलिए भी जीता। दोनों की शादी की बातें भी सामने आई, लेकिन ये रिश्ता शादी के पड़ाव पर पहुँचने से पहले ही टूट गया। इसके बाद राखी ने अपना स्वयंवर भी नेशनल टेलीविजन पर रचाया, लेकिन इसमें भी वो सफल नहीं रह पाई। हालांकि अब राखी ने शादी कर ली है, लेकिन उनका दूल्हा कौन है ये आज तक कोई नहीं जानता। अगर राखी की असल जिंदगी की बात करें तो जो लोग राखी के साथ रहते हैं वो ये कहते हैं कि राखी जिस तरह से पर्दे पर दिखती है वो उसके बिल्कुल अपोजिट असल जिंदगी में है। वो अपनी असलियत को लोगों से छुपा कर रखती है क्योंकि वो जानती हैं कि उन्हें टीआरपी उसी अंदाज से मिलेगी जिस अंदाज में वो दर्शकों के सामने आती हैं, यानी कि टीआरपी और कॉन्ट्रोवर्शियल की उनके नाम से। वेल दोस्तों, आपको राखी की ये दास्तान कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।